हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का सोनू मोनू स्पोर्ट्स में। और ये हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे तरह से अध्ययन किया था, और सेकंड पार्ट में हमने किया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का खेलों में क्या महत्व है। थर्ड पार्ट में हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारा स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार एक ढांचे के रूप में सुव्यवस्थित है, हमारे शरीर कैसे बना हुआ है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हड्डियों के बारे में कि हमारी हड्डियाँ कैसी बनी हुई हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। हड्डियों का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर उनको नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसा उनका आकार है वैसा ही उनको नाम दिया गया है। कैसा नाम दिया गया है वो आज के वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियाँ होती हैं। लंबी हड्डियों के बारे में हम कि जो लंबी हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, और उनकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। ठीक, मींस वो लंबी हड्डियाँ होती हैं। तो जो हमारे शरीर को हाइट प्रदान करती हैं वो लंबी हड्डियाँ प्रदान करती हैं। ठीक है, और जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारी लंबी हड्डियों में पाई जाती है, जो हमारी फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, जांघ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। जो हमारे शरीर की लंबी हड्डियाँ पाई जाती हैं वो हमारे शरीर के अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन का आप सभी को पता है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने स्केलेटन वाले लेक्चर में इसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसको दो भागों में विभाजित किया गया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कौन से अंग आते हैं, कौन सी हड्डियाँ आती हैं सॉरी, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सी हड्डियाँ आती हैं वो आप सब भी अच्छी तरह जानते हो। और वैसे मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें हमारे फेस, हमारा सर और हमारी धड़, ये तीन चीज़ हमारी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। और जो हमारे हाथ और पैर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। तो जो लंबी हड्डियाँ पाई जाती हैं खास तौर पर वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। क्लियर, जो लंबी हड्डियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और जो लंबी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं उसके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है, जिसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण वहीं से होता है। ठीक है, बोन मैरो से। तो और उसके बाद जो हमारी हड्डियों के अंदर जो सेल पाया जाता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो हड्डियों के अंदर सेल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला जो सेल होता है, जो कोशिका होती हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। तो ये हमारा हमने पढ़ा है लॉन्ग बोन्स यानी लंबी हड्डियों के बारे में। ठीक है, ये आकार में बड़ी होती है, लंबी होती है, अंदर से खोखली होती है, इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है जहाँ से वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारे फीमर बोन होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं, जो हमारी जंघा से लेके हमारे घुटनों तक होती है उसको हम फीमर बोन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पेल्विक बोन से अटैच होती है, पेल्विक बोन हमारी क्या होती है, जो हमारी कुल्ले की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं। उस तो फीमर बोन वहाँ पर अटैच होती है। ठीक है, तो हम सूक्ष्म गहराई से अगर पढ़े तो कभी कभी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो फीमर की हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है,
तो नीचे घुटने से पटेला वाली हड्डी से कनेक्ट होती है कार्टिलेज के माध्यम से, और ऊपर होती है हमारी पेल्विक बोन से कनेक्ट होती है। ठीक है, सेकेंड हमारा स्मॉल बोन्स। तो छोटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? छोटी हड्डी हमारे पैरों और हाथों के पंजों में पाई जाती है, फ्लैंगस। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंगस। ठीक है, जो कान की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी क्या विशेषता है कि ये आकार में छोटी होती हैं, अंदर से खोखली नहीं होती और बहुत मजबूत होती हैं। क्लियर, काफ़ी मजबूत होती हैं और इन्हीं की सहायता से हमारे शरीर को स्पीड मिलती है, गति मिलती है। ठीक है, छोटी जो हड्डी होती हैं उन्हीं की सहायता से हमारे शरीर को स्पीड मिलती है। और जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे कान की हड्डी होती है। जिसको हम स्टैपिस बोलते हैं, स्टैपिस जो हमारे शरीर के कान की हड्डी होती है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हमारे कान की हड्डी होती है। क्लियर, स्टैपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। और जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम में जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, उसमें पढ़ा था कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह होती है हमारे जबड़े की हड्डी। क्लियर, जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है वह हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो ये पढ़ा हमने स्मॉल बोन्स के बारे में कि अंदर से खोखली नहीं होती, और जो बड़ी हड्डी होती है, लंबी हड्डी होती है, वो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, छोटी हड्डी अंदर से खोखली नहीं होती, बड़ी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, और ये काफ़ी इनकी अपेक्षा काफ़ी मजबूत पाई जाती हैं। और स्पीड की बात करें तो हमारे शरीर के स्पीड बनाने में छोटी हड्डियाँ हमारे को हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, स्टैपिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारी छोटी हड्डियाँ और बड़ी हड्डियाँ। आगे आती बात आती है हमारी इरेगुलर बोन्स की, जिसे अव्यवस्थित हड्डियाँ बोला जाता है, जिसको कोई आकार निश्चित नहीं होता। क्लियर, फॉर एग्जांपल जिस प्रकार हमारे शरीर के वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो कॉलम पाए जाते हैं उनका कोई एक आकार निश्चित नहीं है, तो उसको अव्यवस्थित हड्डियाँ बोला जाता है। क्लियर, तो इसके बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इनकी जो अव्यवस्थित हड्डियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, और ये इनकी कोई एक निश्चित आकार नहीं है। क्लियर, उसके बाद आता हमारा सेसोमाइड। सेसोमाइड बोन्स कौन सी होती हैं? जो हमारे टेंडन से निकलती हैं। ठीक है, जिनका निर्माण हमारे टेंडन से होता है। ठीक है, टेंडन किसे बोलते हैं? आप सभी को पता है, जो बोन टू मसल्स कनेक्टिव टीशू को हम टेंडन बोलते हैं। जो हमारी हड्डियों के साथ मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला टीशू होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो जो सेसोमाइड बोन्स होता है वो हमारे टेंडन से निकलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस प्रकार हमारे घुटने का पटेला हड्डी होती है जो हमारे घुटने के ऊपर एक परत का कार्य करती है। ठीक है, जिस प्रकार एक टोपी का कार्य करती है, टोपी का कार्य क्या होती है? ठीक है, उसका कार्य क्या होता है कि जो हमारे घुटने के अंदर कार्टिलेज लगे होते हैं। अभी कार्टिलेज का कार्य क्या है? कार्टिलेज का कार्य है हमारी जो हड्डियां हैं उनके बीच रगड़ लगने से बचाना। क्लियर, तो जो कार्टिलेज हमारे वो हड्डियों की अपेक्षा काफ़ी नरम होते हैं और उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अगर बाहरी चोट उनको लग जाए तो वो आसानी से टूट फूट की स्थिति में आ जाते हैं। तो उन्हीं की टूट फूट की स्थिति से बचाने के लिए उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए पटेला हड्डी होती है। ठीक है, जो कहाँ से निकलती है? टेंडन से निकलती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सेसोमाइड बोन, सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पटेला। क्लियर, जो हमारे घुटने के ऊपर टोपी होती है उसको हम पटेला बोलते हैं, उस हड्डी का नाम पटेला है। तो ये हमारा सेसोमाइड बोन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन कौन सी होती हैं? जो हमारे शरीर के अंगों पर एक चपटी स्थिति में होती हैं।
ठीक है। तो फ्लैट बोन उनको बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंगों पर एक चपटी स्थिति में विराजमान होती हैं, क्लियर। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल हमारी खोपड़ी की हड्डी, ठीक है, वो खोपड़ी की हड्डी एक चपटी स्थिति में है, ठीक है, एक फाइबर की स्थिति में होती है और वो हमारे मस्तिष्क को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी रिब्स के बारे में। रिब्स भी हमारी चपटी हड्डियों में आती हैं जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। तो ये हमारी चपटी हड्डियाँ हो गई जो एक चपटे आकार में हमारे नाजुक अंगों को प्रोटेक्शन देती हैं, उसको हम चपटी हड्डियाँ बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनको उन्हीं के आकार के आधार पर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग बोन्स हो गई, सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर बोन हो गई जो हमारी जांघ की हड्डी है। उसके बाद हमारा स्मॉल बोन जो हमारी छोटी हड्डी होती हैं, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टैपी जो हमें कान की हड्डी होती है। उसके बाद हमारा इरेगुलर बोन्स जो अव्यवस्थित होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेसोमाइड बोन जो हमारी पटेला हड्डी होती है, वो सेसोमाइड बोन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लैट बोन चपटी हड्डियाँ जो हमारे सर और हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने हमारी हड्डियों के आकार के आधार पर उनको जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा है और जो उनको नाम दिए गए हैं उनके एग्जांपल के बारे में पढ़ा कि कौन सी हड्डी कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो